घर सुंदर चाची, आप विगत एक मास से भीतक कथा का श्रवण कर रहे हैं। आपने पहले दिन से सुना है जिसे देवचंद जी के तन से भीतक कथा का प्रारंभ होता है। आपने सुना कि देवचंद जी 16 वर्ष की अवस्था में कैसे घर छोड़कर निकलते हैं और एक संकल्प है कि राज्य को पाना है, तो पूरी रात उनको दृढ़ता है कि कोई साधन नहीं है तो मैं पैदल चल करके भी खोज करूंगा और कम से कम दिल्ली से सरसावा की जो दूरी है इससे भी ज़्यादा दूरी कच्छ से भोजनगर की पड़ती है, उमरकोट से। तो आप सोचिए, एक छोटा बालक 200 किलोमीटर रेतीली जमीन पर चलने का साहस रखता है, परिणाम क्या होता है? उनको राज्य का साक्षात्कार होता है, नींद होती है, पहचान नहीं पाते हैं, फिर भी राज्य को पाने के लिए कैसे कैसे कष्ट झेलते हैं। आपने श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में जो बीतक की लीला हुई उसको आपने सुना। भीम भाई ने कितना त्याग किया, मुकुंद दास जी ने, सगी ब्याहता पत्नी थी, केवल इतना कहा कि मेरे साथ चलना है तो चलो। पत्नी ने कहा कि मेरी अभी शादी हुई है, मैं कैसे घर छोड़कर चल सकती हूँ। तो हमेशा के लिए त्याग कर दिया कि यदि मेरे साथ नहीं चलना है तो तुम घर ही रहो। आप सोचिए कि कितना त्याग है इन ब्रह्मनियों में, हमेशा हमेशा के लिए अपना घर द्वार सब छोड़कर श्री जी के साथ आते हैं। लालदास जी ने अपना जीवन समर्पित किया, छत्रसाल जी ने अपना जीवन समर्पित किया। छत्रसाल जी का व्यक्तित्व कितना महान है, एक बार छत्रसाल जी के राज्य में चंद्रवरदाई भूषण कवि आए, पालकी उनकी आ रही थी, छत्रसाल जी ने उनकी पालकी में कंधा लगा दिया था। छत्रसाल जी ने देखकर कहा कि शिवा को सराहूं कि सराहूं छत्रसाल को। राजा की महानता क्या होती है, जो राजा अपने राज्य के विद्वानों का, ऋषि मुनियों का, कवियों का सम्मान करता है, उस राजा का राज्य कभी नष्ट नहीं होता। लेकिन जो राजा अपने राज्य के ऋषि मुनियों का, विद्वानों का, कवियों का सम्मान नहीं करता, उसका राज्य नष्ट हो जाता है। ये छत्रसाल जी के जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए। श्री जी की को पालकी में ले जाना कोई बड़ी बात नहीं है, कि वो तो पहचान लिया कि ये साक्षात अक्षर अतीत हैं, लेकिन एक भूषण जैसे राजकवि को भी के भी सम्मान में पालकी लगा देना, राजा जिसकी पालकी में कहार बन करके पालकी में कंधा दे रहा हो, आप समझिए उसका हृदय कितना बड़ा होता है। 5000 का समूह है, 5000 के समूह की व्यवस्था करनी है। पहले ये सेवा थी गरीब दास जी की, जिनको नागजी भाई कहा गया है, उनसे नहीं हो पाती है। वृंदावन को भी श्री जी ने कुछ समय तक के लिए ये सेवा सौंपी थी, उनसे भी हो नहीं पा रही है, क्योंकि 5000 सुंदर साथ हैं, सबके खाने पीने की व्यवस्था करनी है, सबको वस्त्र देना है। और उस समय आजकल की तरह सुविधाएं नहीं थी, आजकल तो फ़ोन कर दीजिए कोई भी सामान आ जाता है, उस जमाने में एक एक चीज़ खरीदनी होती होगी। आप सोचिए पन्ना जी में क्या मिलता है, आज भी जाएंगे तो पन्ना जी का मार्केट सरसवा के मार्केट से छोटा है, उस जमाने में तो कुछ था ही नहीं। और वैसी परिस्थिति में सब 5000 सुंदर साथ का प्रतिदिन का खर्च निभाना, सारी व्यवस्था, और छत्रसाल जी और लालदास जी हमेशा श्री जी के साथ बैठे रहते। एक व्यक्तित्व निर्भर करता है कि हम प्रबंधन कैसे करें। देखिए, किसी भी समाज को, संस्था को चलाने के लिए प्रबंधन का विशिष्ट गुण है। प्रबंधन के 5 गुण होते हैं, एक तो है संवेदनशीलता, दूसरी है दूरदर्शिता, तीसरी है सजगता, चौथी है लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता। मैं एक दृष्टांत दे रहा हूँ, घटनाक्रम। परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी भ्रमण में थे,
ये भी अपने आश्रम पर ही थे, जाड़े का समय था और आपको पता है कि महाराज जी के समय में बंटवारा हुआ था देश का, सुंदर साथ बहुत कष्ट में थे। तो एक सुंदर साथ ठंड में सिकुड़ रहा था, महाराज जी साल ओढ़े थे, वो साल उन्होंने उस सुंदर साथ को ओढ़ा दी। तो सुंदर साथ ने कहा कि महाराज जी आप कैसे रहेंगे, कहा कि ये तुम्हारा विषय नहीं है। तो आप सोचिए, यदि हमें संवेदनशीलता है, उस सुंदर साथ के दिल से संसार भूल जाएगा, उस बात को कैसे भूल सकता है वो सुंदर साथ कि महाराज जी ने अपने ऊपर का कंधे का ओढ़ा हुआ साल मुझे ओढ़ा दिया था। तो यदि आप में संवेदनशीलता नहीं है तो आप प्रबंधन नहीं कर सकते, कोई भी संस्था नहीं चल पाएगी, ना आपका परिवार चलेगा, ना संस्था चलेगी, ना समाज चलेगा। वो तो 5000 की संख्या है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, स्त्री हैं, जहाँ 5 बर्तन होते हैं खटकते हैं, लेकिन 5000 को प्रेम के धागे में बांध कर दूसरों के साथ जोड़ करके रखना है। कहीं चिक-चिक नहीं होती, कोई झगड़ा नहीं होता, पूरी बीतक में पढ़िए, कभी नहीं आप सुनने में आएगा कि आज इन्होंने झगड़ा किया, आज इन्होंने किया, क्योंकि किसी के पास समय नहीं है, सभी किसी न किसी लक्ष्य पर लगे हुए हैं। तो ये जो संवेदनशीलता है कि दूसरे को कष्ट हो तो वो कष्ट मेरा है। एक बार सिकंदर की सेना से पूछा गया कि भई आपकी सेना में इतनी शक्ति का कारण क्या है, तो सिकंदर अपनी सेना के एक एक सैनिक से व्यक्तिगत रूप से मिलता था। तो जिस राजा का संबंध एक एक सैनिक से हो, पूरी सेना उसके लिए जी जान से लड़ने को तैयार थी। इसलिए हम किसी परिवार में रहते हैं, संस्था में रहते हैं, हमें दूसरों के प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा। यदि हमारी संवेदना चली गई तो आप सोचिए, श्री जी के साथ 5000 की संख्या में घर द्वार छोड़कर आए हैं, किसके विश्वास पर कि इनके चरणों में मुझे परम धाम मिलेगा, इनके चरणों में मेरे जीव को कल्याण मिलेगा, और यदि उनको श्री जी का प्रेम नहीं मिलेगा तो परिणाम क्या होगा। वो तो सोचेंगे कि अच्छा था हम घर पर थे तो अच्छा था, हम तो घर छोड़ करके आए हैं, हमारा क्या होगा। लालदास जी में व्यक्तित्व है, लालदास जी के पास करोड़ों का व्यापार है, उनको मालूम है कि किसके साथ हमें क्या व्यवहार करना है। भागवत के गीता के विद्वान है, कुरान पक्ष के विद्वान है और श्री जी का वरद हस्त है। तो लालदास जी ने क्या किया है, 36 विभाग बना दिए। अभी आप सुन रहे थे कैसे कैसे 36 विभागों की व्यवस्था होती है, भोजन का विभाग है, वस्त्र देने का विभाग है, गर्मी के मौसम में कैसे क्या करना है सबको अलग अलग बांट दिया है। अकेले कोई भी व्यक्ति सारा कार्य नहीं कर सकता है, लालदास जी को मालूम है। अब जैसे मान लीजिए आप टीवी पर समाचार देखते हैं, मोदी अभी यहाँ हैं, कुछ घंटों के बाद देखते हैं गुजरात है, एक ही व्यक्ति पूरे देश में काम कर रहा है। योगी को देखिए, योगी भी 18 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन योगी या मोदी कहें कि नहीं, कपड़े भी मैं अपना खुद दूंगा, भोजन भी खुद बनाकर खाऊंगा, गाड़ी भी मैं भी चलाऊंगा, तो कैसे काम चलेगा। अकेले व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। वेद में क्या लिखा है, सहस्त्र बाहो पुरुषः सहस्त्र रक्षा सहस्त्र पाद। परमात्मा के 1000 नेत्र हैं, 1000 भुजाएं हैं, 1000 पैर हैं, इसका आशय क्या है। लालदास जी ने क्या किया है कि सारी व्यवस्था में 36 विभाग बना दिए हैं और 36 विभागों का एक एक अध्यक्ष बना दिया है और एक एक अध्यक्ष की सहायता के लिए कई सुंदर साथ निश्चित कर दिए हैं और सभी अध्यक्षों से प्रतिदिन मिल लेते हैं कि आपकी समस्या क्या है, आपकी समस्या क्या है, जो समस्या होती है वो बता देते हैं। खुद लालदास जी सब जगह जाकर के हस्तक्षेप नहीं करते कि तुमने ये गलती कर दिया, तुमने ये गलती कर दिया तो क्या होगा। आपने जिसको जो सेवा दे रखी है, यदि आप उसको स्वतंत्रता से कुछ करने ही नहीं देंगे तो उसका तो मनोबल ही टूट जाएगा। उसकी समस्याओं को सुनिए, संवेदनशील बनिए, तो क्या होगा, वो अपनी बात कहेगा कि ये समस्या बन रही है। उसकी सुविधा के लिए लालदास जी ने कई कई सुंदर साथ निश्चित किएंगे। आप देखेंगे कि सबको पैसे लेने की पैसे की ज़रूरत होती है, उसको देने वाला खजांची कोई और है,
कपड़ा देने वाला कोई और है, राशन देने वाला कोई और है, ये सारे विभाग बने हुए हैं। और लालदास जी सभी विभागों में एक बार भ्रमण कराते हैं और उसके पश्चात जब देखिए तब श्री जी के साथ बैठे हुए मिलते हैं। पहले वृंदावन जी से ऐसा नहीं हो पा रहा था, गरीबदास जी से ऐसा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उन्होंने कभी प्रबंधन किया ही नहीं होता है। प्रबंधन का अर्थ होता है सारी व्यवस्था को संभालना। प्रबंधक के ऊपर एक डायरेक्टर होता है, निर्देशक, जिसको आजकल निदेशक कहते हैं। निर्देशक का कार्य होता है नीतियाँ बनाना, कौन सी नीति हम बनाएं ताकि हमारी फैक्ट्री, हमारी संस्था, हमारा प्रबंध कार्य अच्छा चले। लालदास जी को ये सब कुछ पता था, मैंने वही बात बताई कि प्रबंधन कार्य में जो पहला गुण है संवेदनशीलता का, दूसरा होता है दूरदर्शिता का। आज हम चल रहे हैं, आज हमने फैक्ट्री बनाई है, आज के 10 साल के बाद स्थिति कुछ और होगी, 20 साल के बाद कुछ स्थिति कुछ और होगी, तो हाँ यदि हम भविष्य का आकलन नहीं कर सकते हैं, हमारे पास कल्पनाशीलता नहीं है, तो हमारी फैक्ट्री, हमारी संस्था, हमारा राज्य सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए जो कल्पनाशील होता है, भविष्य का आकलन करता है, अतीत की भूलों को देखता है, उसका चिंतन लेता है कि पहले क्या गलती हुई, आने वाले समय में हमें क्या करना है, वो सही मैनेजमेंट कर पाता है। संवेदनशीलता, दूरदर्शिता, सजगता। सजगता क्या होती है? सजग रहना जरूरी होता है। यदि आप भविष्य के प्रति सजग नहीं रहेंगे तो आपका राज्य, आपका परिवार, आपकी संस्था, आपकी फैक्ट्री फ्लॉप हो जाएगी। कैसे? मैं आपको एक दृष्टांत देता हूँ। एक संस्कृत की कहावत है, उसे बहुत शिक्षा लेने की जरूरत है। एक राजा के पास बंदर रहा करते थे, बहुत पालतू थे। बंदर का जो राजा था, बंदरों का, बहुत होशियार था। उसने देखा कि घुड़साल और रसोई घर राजा का एक साथ बना हुआ है। जब रसोइये आपस में लड़ते हैं तो जलती हुई लकड़ी से एक दूसरे को मारते हैं। वो बंदरों का जो राजा है बैठे बैठे सोच रहा है कि ये जैसे मार रहे हैं तो कभी भी चिंगारी छिटक सकती है, जब चिंगारी छिटकेगी तो आग लगेगी, सबसे पहले घुड़साल ही जलेगी, अस्तबल जलेगा। जब घोड़े मरेंगे तो वैद्य से पूछा जाएगा, वैद्य यही कहेगा कि इनका इलाज बंदरों की चर्बी से होगा, और जब घोड़ों को बचाने के लिए बंदरों को मार मार कर उनकी चर्बी से इलाज किया जाएगा तो नंबर हमारा भी होगा। अब देखिए घटना घट नहीं रही है, वो बंदर पहले से सोच रहा है कि ऐसा ऐसा हो जाएगा। उसने सभी बंदरों को बुलाकर कहा कि देखो यहाँ रहना ठीक नहीं है, तुम यहाँ से चलो। सब ने कहा कि तुम मन में क्या क्या सोचते रहते हो, यहाँ रहना ठीक, हम छोड़कर कैसे जाएंगे। बंदरों का राजा कहता है कि नहीं, मैं तो जाऊंगा, तुम्हें रहना हो रहो। बंदर जा रहा है, रास्ते में जाते समय देखा उसको प्यास लगती है, एक तालाब में जाता है, सोचता है कि पानी पी लो। देखता है कि इस तालाब में तो जाने वालों के पैर के चिन्ह हैं, आने वालों का कोई निशान नहीं है। वो सोच लेता है कि जो इस तालाब में गया है जिंदा वापस नहीं लौटा है, इसका मतलब कि बहुत खतरा है। उसने कमल की एक डंडी को तोड़कर, उसकी डंडी में जानते हैं छेद होता है, उसी को पानी में डाल दिया और शुरू करके पीना शुरू कर दिया। जानते हैं पाइप को पानी में डालकर सांस खींचेंगे तो पानी आ जाएगा। उस तालाब में एक राक्षस रहता था, राक्षस प्रकट हो गया, कहा कि मैंने अपने जीवन में इतना बुद्धिमान आदमी नहीं देखा, इस तालाब में जो भी आता है मेरा आहार बन जाता है, लेकिन ये बंदर इतना चतुर है कि ये समझ गया कि जो इस तालाब में पैर रखता है वो जिंदा नहीं बचता है। पूछा कि बंदर तुम्हें जो मांगना हो मेरे से मांगो, मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर प्रसन्न हूँ। तो वो कहा कि देखो, बंदर को पता चल गया था, जैसा उसने सोचा था वैसे ही हुआ था। रसोइयों ने लड़ाई की थी, एक दूसरे को जलती लकड़ी से मारा, आग फैलती गई, पूरा घुड़साल जल गया। घोड़ों के इलाज के लिए वैद्य ने कहा कि बंदरों को मारकर इनकी चर्बी लाई जाए तो बचेगा, आपके घोड़े बचेंगे। राजा ने आदेश दिया कि सारे बंदरों की हत्या कर दो, और वही हुआ। अब बंदर को ये कष्ट था कि मेरे परिवार का राजा ने विनाश कर दिया है तो मैं भी बदला लूँगा। उसने राक्षस से कहा
कि मैं एक राजा को परिवार सहित लाऊंगा, आप उसको पुण्य के बहाने कि जो इसमें स्नान करेगा वो उसको मोक्ष हो जाएगा और तुम अपना हार कर लेना। वैसे ही हुआ। बंदर वापस आता है राजा के प्रति, कहता है कि देखो इस तालाब में जो घुसेगा स्नान करेगा उसको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। राजा खुशी खुशी अपने परिवार से ही जाता है और राक्षस का आहार बन जाता है। कहने का आशय क्या है? हमारा समाज दूरदर्शिता नहीं रखता और इसका परिणाम क्या है? हम संसार में पिछड़े संप्रदायों में आते हैं। हमारे पास जो तत्व ज्ञान है वो संसार में किसी के पास नहीं है। आज संसार में न जाने कितने लाखों मदरसे होंगे, कितने बड़े बड़े चर्च होंगे, कितने मिशनरियों के कॉलेज होंगे। आप वाणी का जो तत्व ज्ञान है किसी के पास ले जाएंगे तो सारे नतमस्तक हो जाएंगे, लेकिन हम पिछड़े हुए क्यों हैं? ये जो ब्रह्मा कुमारी शायद 100 से ज़्यादा देशों में फैला हुआ है, इनके जो संस्थापक थे वो पन्ना जी जाया करते थे और वहाँ से उन्होंने नक्शे लिए और हेरा फेरी करके अपना परम धाम बना लिया। जो ब्रह्मा कुमारी मत का ज्ञान है वो तो मात्र एक हफ्ते में सारा पढ़ा जा सकता है, उनके पास कुछ है ही नहीं। लेकिन उन्होंने प्रबंध तंत्र को इतना मजबूत किया है कि कैसे आप देखेंगे कि उनके कार्यक्रमों में एक बार जानते हैं कुछ घंटों में 10,000 लोगों का भोजन एक साथ सोलर पैनल पर बनता है। बड़े बड़े मिनिस्टर आते हैं, अंदर कुछ नहीं है, उनके पास ज्ञान कुछ नहीं है। हमारे पास सारा ज्ञान है लेकिन हमारे समाज में प्रबंध तंत्र की कमी रही है जिसके कारण हम सबसे पिछड़े में। मैं समय अभाव में मैं जल्दी से अपनी बात कहता हूँ। 300 वर्ष हो गए हैं हमारे समाज को, बड़े बड़े महाराज आए, गादीपति आए, किसी के मन में नहीं होता कि दुनिया कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। इस वाणी के ज्ञान को फैलाने के लिए जो हमें करना चाहिए था, विद्वानों को तैयार करना चाहिए था, कुछ नहीं हुआ। 300 वर्षों में यदि परिणाम देखा जाए तो रिजल्ट 0 पर आएगा। आप जाकर देखिए पूरे देश में मिशनरियों के कितने विद्यालय हैं। आर्य समाज के तो यूपी में हर जिले में एक DAV कॉलेज पहले था। आर्य समाज के आज भी कम से कम 300 गुरुकुल हैं, 4-4 विश्वविद्यालय हैं। हमारे पास क्या है? कुछ नहीं। हमारे बड़े बड़े पुरियों में चले जाइए, क्या है? बड़े बड़े भवन हैं, घंटी घड़ियाल बज रहे हैं, अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं, लेकिन वाणी को कौन फैलाएगा जब विद्वान ही नहीं रहेंगे? तो किसी ने आज तक नहीं सोचा कि विद्वान पैदा किए जाएँ, साहित्य कुछ पैदा किया जाए। कुछ नहीं, जब विद्वान ही नहीं होंगे, साहित्य ही नहीं होगा तो वाणी कहाँ से फैलेगी? इसलिए हम सबसे फिसड्डी की श्रेणी में आते हैं। ये तो राज्य की कृपा है ज्ञानपीठ पर कि आज ज्ञानपीठ ने 133 भाषाओं में वाणी और वितक की टीका को प्रस्तुत कर दिया है। ये संसार में अब तक काम नहीं हुआ था, लेकिन हम तो अभी 17 साल से इस कार्य को शुरू कर रहे हैं। 300 वर्षों का रिकॉर्ड जोड़ा जाए तो उन्नति के दृष्टि से हमारे पास कुछ नहीं रहा, क्योंकि हमारा प्रबंध तंत्र बहुत कमजोर रहा है। राधा स्वामी मत को देखिए, उनके पास भी कोई ऊंचा तत्व ज्ञान नहीं है, लेकिन उनका प्रबंध तंत्र इतना मजबूत है कि दुनिया भाग भाग कर जा रही है, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और हमारे पास ये कभी हाल ही नहीं भरता। अभी तक देखिए मैं प्रतिदिन हिसाब पूछता था तो 30-40-50 से ज़्यादा किसी दिन शायद ही नहीं लगे होंगे। ये जरूर है कि 2005-06 में बीतक हुई थी तो 500 की संख्या समाप्ति पूजन के दिन थी। अब तो YouTube से चलिए लाभ है, भले ही लोग ना आते हों लेकिन सुन तो लेते ही हैं। आप सोचिए कि हमारे छोटे छोटे स्थान हैं, छोटे छोटे मंदिर हैं, लेकिन संगठन क्यों नहीं है? मेल मिलाप नहीं है? चार दिशाओं में 4 आदमी हैं, चारों दिशाओं में 4 मुँह हैं, एक रथ हो और 4 दिशाओं में 4 घोड़े खींच रहे हों तो रथ तो वहीं पर रहेगा। एक दिशा में घोड़े खींचेंगे तो रथ किसी भी दिशा में जाएगा, लेकिन 4 दिशाओं में 4 रथ को खींचा जाए तो
तो रथ तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा। वही कहानी है हमारे प्रणामी समाज की, जो 300 वर्षों से चला आ रहा है लेकिन आपस में लड़ाई झगड़ों के कारण बर्बादी के कगार पर चल रहा है। वाणी फैल नहीं रही है, वाणी को जानबूझ करके रोका जा रहा है। ये प्रबंध तंत्र बताता है कि लालदास जी कितने सजग हैं, किसी को कष्ट नहीं होने देते। कपड़े वाले को, भोजन वाले को, 36 विभागों का देखभाल केवल एक लालदास जी का व्यक्तित्व है जो आसानी से कर रहा है। ये जो अष्टभर की लीला है ये हमें आत्मसात करने के लिए है कि सुंदर साथ सवेरे भी चितवनी करते हैं, शाम को भी चितवनी करते हैं। सवेरे भी चर्चा होती है 3 घंटे, शाम को भी चर्चा होती है 6 घंटा चर्चा और 1.5 घंटा दोनों वक्त चितवनी। 3 घंटा चितवनी, 9 घंटा सुंदर साथ हर रूप में वहाँ रहता है। शेष समय पर सब लोग सेवा में लगे रहते हैं, 1 मिनट भी कोई व्यर्थ नहीं करता। आपको नहीं मालूम है कि आपका एक एक पल कितना कीमती है। तेरी गिनती बांधी श्वासों श्वास, एक श्वास की भी नहीं आस। इसलिए आपको यह अनमोल समय मिला है, जागने के प्रकाश में आप चल रहे हैं। राज्य की कृपा से सतगुरु महाराज ने ज्ञानपीठ में वाणी के ज्ञान का झंडा गाड़ा है। इसके प्रकाश में सब सुंदर साथ वाणी के तत्व ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं। आप देखेंगे कि पूरे देश में ज्ञानपीठ का साहित्य जा रहा है। और सच बात तो यह है कि 300 वर्षों में ज्ञानपीठ को ये शोभा मिली है कि किसी भी स्थान में 17 वर्षों में इतना साहित्य नहीं लिखा गया है जो अकेले ज्ञानपीठ ने 17 वर्षों में कर दिया। ये राज्य की विशेष कृपा है, लेकिन राज्य की कृपा को हम संभाले रखें। हमारे अंदर दूरदर्शिता होनी चाहिए, हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए। यदि हम दूसरों के प्रति प्रेम की भावना नहीं रखेंगे तो याद रखिए इस ब्रह्मांड में केवल प्रेम की ही सुगंधि से संसार चल रहा है। यदि आपके अंदर से प्रेम चला जाएगा तो मनुष्य में और जानवर में कोई अंतर नहीं है। आपकी शोभा है केवल प्रेम से। आपके हृदय में प्रेम रहेगा तो आपकी आत्मा जागृत होगी, नहीं तो माया में क्या है। संसार आप एक घर बनाते हैं, आपकी परिवार बढ़ता है, आप पहले पिता बनते हैं फिर दादा दादी बनते हैं, हो सकता है परदादा भी बन जाए, 10-20 करोड़ की संपत्ति बन जाए, उसके बाद क्या होगा। आपने जो कुछ कमाया है सब यहीं छोड़ जाएंगे। आपके घर वाले थोड़े समय के लिए रोएंगे गाएंगे, फिर आपको जला दिया जाएगा, आपकी कहानी बस मिट गई। लेकिन यदि आपने राज्य का प्रेम लिया, सोने से पहले राज्य को याद कर लिया, अपने अहंग को छोड़ा, तो आपकी आत्मा जागृत होकर परम धाम का सुख लगी। याद रखिए जिसने अपने अहंग का समापन कर दिया उसने बाजी जीत ली, लेकिन जिसने अपने अहंग को बढ़ाता रहा वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता रहा। सब सुंदर साथ के लिए बीतक में सिखापन है कि जो देवकरण जी हैं प्रधानमंत्री हैं छत्रसाल जी के, वो झाड़ू लगाने की सेवा करते हैं। महाराजा छत्रसाल छोटी से छोटी सेवा करते हैं। ये क्या सिखाता है। आप स्वामी राधा स्वामी मत में जाइए, गुरुद्वारों में जाइए, करोड़पति लोग होंगे झाड़ू लगा रहे होंगे, जूते उठा करके आपको देंगे, सफाई कर करके देंगे। सुंदर साथ में सेवा भावना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो भी सुंदर साथ आता है कहते हैं अरे बच्चों ने कुछ नहीं किया, बच्चे बच बिगड़े हैं, बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं। आप ये भी तो सोचिए कि भाई इतने सुंदर साथ गाँव के आसपास होते हैं, स्वतः भावना क्यों नहीं आती कि भाई आपका भी कर्तव्य है, आपका भी ज्ञानपीठ है, केवल बच्चे ही तो नहीं। बच्चे तो बेचारे 4 बजे उठते हैं, जितना संभव होता है पूरा काम वही करते हैं। अभी भंडारा आएगा, भंडारे से पहले इनको जरा भी समय नहीं, इनकी पढ़ाई बंद करके पूरे दिन सेवा करनी पड़ती है। लेकिन जो आसपास के सुंदर साथ हैं उनका ये नैतिक उत्तरदायित्व होता है कि वो ज्ञानपीठ को अपना समझें, ये न समझें कि वो अतिथि हैं और सारा काम बच्चों को ही करना है। बच्चे तो करेंगे लेकिन ज्ञानपीठ का उत्तरदायित्व आपका भी होता है। आप अतिथि बनकर ना आइए, आप समझिए कि ज्ञानपीठ है। आप घर जाते हैं तो ये थोड़े ऐसा कर सकते हैं कि कोई आपका एक सदस्य लाकर एक गिलास पानी दे, आप पानी रखा रहता है खुद पी लेते हैं। अब ये ज्ञानपीठ है, शिक्षण संस्था है, संभव है बच्चे पढ़ रहे हों, आचार्य भी व्यस्त हों, आप खुद पानी लेकर के भी पी सकते हैं।
लेकिन यदि कोई अपनापन ही न रखे कि अरे हम मैं तो आया, हमको एक गिलास पानी के लिए किसी ने नहीं दिया, कोई मेरी सेवा में आगे नहीं आया, तो सोचिए ज्ञानपीठ की दिनचर्या में ऐसा नहीं होता। ये शिक्षण संस्था है और ज्ञानपीठ आपका है, एक महान लक्ष्य के लिए ज्ञानपीठ बनाया गया है। घंटी घड़ियाल तो यहाँ बजती नहीं, जहाँ घंटी घड़ियाल बजते हैं वहाँ इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, लेकिन जहाँ शिक्षा और चितवनी पर ही विशेष हो तो ये सब त्रुटियाँ होती रहेंगी। आप सब सुंदर साथ से अपेक्षा की जाती है कि ज्ञानपीठ को अपना समझें, स्वयं सेवा करके आदर्श बने। आप जितनी सेवा करेंगे राज्य की अपनी ही उतनी ही अपर मेयर होगी। सेवा करें न जनावे ही अपनी आत्म के कारण। सेवा करने से विनम्रता आएगी, विनम्रता आएगी तो आपके अंदर का अहं जानेगा। आप सेवा करते हैं तो किसी पर एहसान नहीं करते हैं, आप अपनी आत्मा के लिए सेवा कर रहे हैं। मैं आशा करूंगा कि सुंदर साथ इस बात को समझेगा कि हमें जागने के इस ब्रह्मांड में आने का अवसर मिला है, राज्य के चरण कमल मिले हैं, तो प्रेम से अपना जीवन गुजारें। एक एक पल हमारी आत्मा का कीमती है और इसको समझकर अपने जीवन को सफल बनाएं, सेवा से, प्रेम से, विनम्रता से, समर्पण भावना से। कि 5000 की जमात है श्री जी के साथ पन्ना जी में रह रही है, पूरे देश का सुंदर साथ आया है, अपना घर द्वार सब छोड़ छाड़ कर कैसे प्रेम से रहते हैं, सेवा करते करते अपना सारा जीवन गुजार देते हैं। इसलिए सब सुंदर साथ को ये बीतक हर साल प्रेरणा देती है। बीतक हो जाती है, हम चले जाते हैं, हर साल सुनते हैं, लेकिन जब तक बीतक को आचरण में नहीं लाएंगे तब तक हमारे जीवन का कुछ भी लाभ मिलने वाला नहीं है। यदि आप समय रहते अपनी आत्मा को जागृत करते हैं तो ये आपकी आत्मा के लिए सुखदायी होगा, अन्यथा क्या है। एक दिन ये धरती नहीं रहेगी, सूरज नहीं रहेगा, आकाश नहीं रहेगा, कुछ नहीं बचने वाला नहीं है। और इसने समय रहते रहते जिसने अपने अहंकार को छोड़ा, अपने अंदर विनम्रता धारण की, राज्य का प्रेम धारण किया, तो इत भी धन धन होगा और उत भी धन धन होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरी बातों को स्वीकार करेंगे। 1 से 7 सितंबर तक वार्षिक उत्सव है और मैं ऐसा करूँगा कि अड़ोस पड़ोस के सब सुंदर साथ आकर ज्ञानपीठ में जो जो कमियाँ हैं सेवा में उसको पूरा करेंगे, क्योंकि हमारे पास बड़े बच्चे अब ज़्यादा नहीं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनसे सेवा का भार ज़्यादा नहीं हो सकता। सभी माताएं बहनें आएँ, पुरुष वर्ग आएँ, जो भी सेवा हो सके वार्षिकोत्सव की तैयारी करें और अपने अड़ोस पड़ोस में चारों ओर सूचना दे दें कि 1 से 7 तारीख तक जो वार्षिकोत्सव है सितंबर में सब लोग भाग लें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। थाल चहु मुख दीवल दीपक ज्योत प्रकाश, वल दीपक ज्योत प्रकाश, करत आरती श्री जियावर रानी, करत आरती श्री जियावर रानी, आनंद युगल स्वरूप सुंदर सुखदायक, श्याम धाम धनी सोए वाला, श्याम धाम धनी सोए, मंगल रसिक बदन की शोभा, मंगल रसिक बदन की शोभा, निरखंत मन और गावे ओ मंग आंग पारे, ताल मृ झांजर झांजर यंत्र बाजे सखी, बोलत जय जयकार, वधावे मुक्ता फल सखिया, श्री जियाव श्याम सुहाय, तन मन महामति चरणों लाए,
श्री महामति चरणों लाए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।